हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे माता महालक्ष्मी, आपने मुझे सपने में दर्शन देकर मुझे अनुग्रहित किया है। मैं उस सपने को आपकी प्रेरणा समझकर ही यहां आया हूं। हे मातेश्वरी, मेरी श्रद्धा है कि ये पिंडिया आप ही का रूप है। अपने इन तीनों रूपों का दर्शन देकर मुझे अनुग्रहित कीजिए माँ, मुझे अनुग्रहित कीजिए। माँ, हम पर कृपा करके अपने दर्शनों की वर्षा कीजिए। माँ, अपने दर्शनों की वर्षा कीजिए। हे माता महालक्ष्मी, हे माता महाकाली, हे महासरस्वती, हम दोनों आप तीनों के एक साथ दर्शन करके धन्य हो गए माँ, धन्य हो गए। सबको मिलेगा। हाँ हाँ, धीरे रखो। हाँ, ये लो, तुम भी लो। हाँ हाँ, तुम भी लो। अच्छा अच्छा अच्छा, लो लो लो। हाँ लो, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तुम भी आओ, ये लो, आओ आओ आओ, आओ लो लो। अच्छा हाँ हाँ। अरे पंडित जी, सारी मिठाई बच्चों में बांट दोगे, हमें मिठाई नहीं दोगे? अरे भाई, मिठाई देखकर हम भी बच्चे बन जाते हैं, बच्चा समझकर ही मिठाई दे दो। अरे दुखी राम जी, दुखी क्यों होते हो? लो, तुम भी मिठाई लो। हाँ हाँ, तुम भी लो। भाई पंडित जी, ये तो बताइए, मिठाई किस खुशी में बांट रहे हो? अब अरे अरे, शर्माइए नहीं, बताइए पंडित जी। माता महालक्ष्मी की कृपा होने वाली है, मेरी धर्म पत्नी माँ बनने वाली है। परंतु वैद्य जी ने तो उसे बांझ बताया था। फिर वैद्य जी भगवान थोड़ा ही है, फिर उन्होंने कह दिया तो मुझे संतान ही नहीं होने वाली। तो क्या भगवान ने तुमसे कहा है कि संतान होगी? हाँ, कुछ ऐसा ही समझो, माता महालक्ष्मी ने वरदान दिया है। सुन लो, सपना देखा होगा। संतान का मोह भी मनुष्य को क्या क्या सपने दिखाता है। हे महादेव, हे महालक्ष्मी। जय जय भवानी माँ। हे मातेश्वरी, आपने अंधेरे में एक आशा की किरण जगा दी है। मैया, आपने मेरी गोद भरने का आश्वासन दिया है। परंतु माता, हमारी आशाएं अभी तक अधूरी हैं। मैया, मैं कब माँ बनूंगी? कब अपनी संतान पर अपनी ममता की वर्षा कर सकूंगी? वो शुभ घड़ी कब आएगी? हमारी सेवा में ऐसी कौन सी कमी रह गई है जो आप हमसे अभी तक प्रसन्न नहीं हुई है माता? मैया, आपकी आज्ञा हो तो हम अपने आंसुओं से आपके चरण धो धो कर पिए। मैया, हमसे जो चाहे सेवा ले लीजिए,
प्रलय आने तक हम तो क्या, हमारी पीढ़ियों की पीढ़ियां भी आपके श्री चरणों में रहकर आपकी सेवा करती रहेंगी मैया, सेवा करती रहेंगी, सेवा करती। स्वामी वो देखिए, वो बालिका जिसे मैंने कुएं पर देखा था। बालिका ना कहो भाग्यवान, बालिका ना कहो, वो तो महालक्ष्मी का स्वरूप है। हाँ, महालक्ष्मी का स्वरूप है। आओ मेरे साथ। आओ भगवान। माता कहाँ गई? पता नहीं। वो रही माता। हाँ। आओ माता। माता माता मैया, उस वन में कहाँ जा रही है? वहाँ कटीली झाड़ियाँ भी हैं। मैया, आपके कोमल पैरों में कांटे चुभ जाएंगे। हाँ। रुक जाइए मैया। मुझे कुछ नहीं होगा और आपको भी कुछ नहीं होगा। भैया कोई छुपा छुपी का खेल खेल रही हैं और शायद वो अवश्य कोई लीला कर रही हैं। मैया कहाँ हैं आप? मैया वो रही मैया, मैया रुक जाओ मैया, मैया 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 का आदेश है। हाँ। आओ। स्वामी लगता है इधर एक गुफा है, मैया अवश्य इसके अंदर गई होंगी। मैया, आ जाओ अनुराधा। इस अंधकार में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बड़ी विचित्र सी बात है ना कि इस अंधकार में भी हमें भय नहीं लग रहा है, है ना? आप भय की बात कर रहे हैं, मुझे तो यहाँ परम शांति का आनंद मिल रहा है। हाँ तुम ठीक कहती हो भाग्यवान, ऐसा और इतना आनंद तो मुझे आराधना में भी प्रतीत नहीं हुआ था।
संभल के। अवश्य ये कोई अति पावन स्थान है। सुनिए, आपको कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ, मंदिर में घंटियों की आवाज के साथ साथ ओम का जाप भी सुनाई दे रहा है। जैसे कानों में रस घुल रहा हो, जैसे आत्मा तृप्त हो रही हो। देवी महालक्ष्मी हम पर जैसे दिव्य दृष्टि के द्वार खोल रही हैं, है ना? हाँ स्वामी। आओ चले उस तरफ, वहां कुछ दिखाई दे रहा है। हाँ चलिए। स्वामी, हमें इस पवित्र स्थान से इन सूखे पत्तों और घास फूस को हटा देना चाहिए। हाँ अवश्य। परंतु माता कहाँ गई? कदाचित हमें ये गुफा और इन तीन गुप्त निशानियों को दिखाने के लिए ही माता ने हमारा मार्गदर्शन किया। इसका अर्थ ये हुआ कि माता अपना कार्य करके लोप हो गई। हाँ, परंतु माता ने हमें इस स्थान का रहस्य बताया ही नहीं। मैया ने जब हमारा मार्गदर्शन यहाँ तक किया है तो इस संबंध में आगे भी हमारा मार्गदर्शन अवश्य करेंगी। चले चलिए। घर का काम धरा पड़ा है और ये महारानी पता नहीं कहां चली गई। आज तो अनुराधा चमत्कार हो गया। ऐसा लगा कि जैसे मैं अच्छा तो तुम इसे ले गए थे? किस मंदिर में प्रार्थना करने ले गए थे? किन साधु संतों से आशीर्वाद लेने गए थे? सभी संतों का आशीर्वाद तो निष्फल हो गया। ये बांझ निसंतान की निसंतान ही रही। माता श्री, कभी तो जली कटी सुनाना बंद करो। आप तो निराश हो गए भगवान से। अरे माता महालक्ष्मी के आशीर्वाद से तुम देखना, एक न एक दिन मैं बाप अवश्य बन जाऊंगा। अरे तू बाप अवश्य बनेगा पर ये माँ नहीं बनेगी। माता श्री, माता महालक्ष्मी के आशीर्वाद से असंभव भी संभव बन जाएगा। अरे मैं तो यही चाहती हूँ। माता श्री, चाहने से कुछ नहीं होता। कभी तो सच्चे मन से प्रार्थना करके देखिए, फिर देखिए आपको अपनी प्रार्थना की स्वीकृति के लक्षण कैसे दिखाई देते हैं।
हे माता महालक्ष्मी, मेरे वंश का दीपक यदि मुझे मिल जाए तो मैं आपके नाम की ज्योति सदा जलाती रहूंगी। भैरव के अत्याचारों पर अंकुश लगाइए मातेश्वरी। भैरव का जीवित रहना धर्म की मृत्यु के समान है मैया। भैरव, तुम्हारे कुकर्मों का लेखा जोखा बहुत ही भारी हो गया है। वैष्णवी, तुम अपनी बड़ी बड़ी बातों और अपनी शक्ति के प्रदर्शन से मुझे भयभीत करने की चेष्टा व्यर्थ ही कर रही हो। मैं तुम्हें अपने आप में परिवर्तन लाने का एक अंतिम अवसर और दे रही हूँ भैरव। यदि तुम अपने पापी मन का शुद्धिकरण करना चाहते हो तो त्रिकूट पर्वत पर तुम्हारा स्वागत है, और यदि ये भी नहीं चाहते तो वापस लौट जाओ। मैं अकेले वापस नहीं जाऊंगा। तो फिर अब के बाद तुम्हारा हर पग तुम्हें तुम्हारी मृत्यु की ओर ले जाएगा भैरव। वैष्णवी, तुमने अदृश्य होकर मुझसे मुंह तो छिपा लिया, परंतु मैं जानता हूँ कि तुम अपनी माया का प्रयोग करते हुए यही मेरे आसपास हो। इसी त्रिकूट पर्वत पर तुम्हारा निवास है, परंतु तुम मेरे सामने नहीं आना चाहते। मैं आ रहा हूँ वैष्णवी। वैष्णवी, मैं जानता हूं तुम यही हो। रुक जाओ सुंदरी, रुक जाओ। वासना की आग में अपनी आंखें जला लेने वाले भैरव, तुमने मुझे केवल एक स्त्री समझा है, परंतु सबसे पहले मैं एक माता हूँ, जगत जननी हूँ। देख देख मैं क्या हूँ। तेरा अंत समय आ गया है भैरव। माता, माता, मैंने संसार की जननी पर बुरी दृष्टि डाली है, मुझे क्षमा करो मातेश्वरी, मुझे मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो। माता। हाँ। स्वामी, स्वामी क्या हुआ, कोई सपना देख रहे थे? हाँ, सपना। सपने में मैंने वो सभी स्थान देखे जहां तक बालिका के रूप में माता महालक्ष्मी ने हमारा मार्गदर्शन किया था। परंतु वास्तव में उन स्थानों का दर्शन कराने के पश्चात माता ने वो स्थान सपने में क्यों दिखाए? माता ने इस बार केवल वो स्थान ही नहीं दिखाए, तो फिर उन्होंने उन स्थानों का महत्व भी दर्शाया। अर्थात? अर्थात ये कि माता ने उन स्थानों पर होने वाली वो घटनाएं भी दिखाई जिनके कारण उन स्थानों को महत्व मिला। परंतु स्वामी, आपने जो सपने में घटनाएं देखी वो वास्तविक है, इसका क्या प्रमाण है? अनुराधा, ये तो श्रद्धा की बात है। माता स्वयं सपने में उन घटनाओं में उपस्थित थी। अच्छा। और मेरी आत्मा को विश्वास है
कि ऐसा घटा और इस बात का प्रमाण हमें उन स्थानों को देखने से मिलेगा और सारी घटनाओं का तालमेल हो जाएगा। अर्थात हम उस पर्वत पर उस गुफा में फिर जाएंगे? अवश्य जाएंगे। अच्छा हाँ, जय माता महालक्ष्मी, जय माता महालक्ष्मी, जय माता महालक्ष्मी, जय माता महालक्ष्मी। स्वामी, इस त्रिकूट पर्वत पर तो हम पहले भी आए थे, परंतु इस बार हम मेरे सपने में घटी उन घटनाओं के मुख्य स्थानों को देखने आए हैं। आओ अनुराधा, ये वही स्थान है। इसी स्थान पर मैंने उस राक्षस को देखा था जो अपने आप को भैरव कह रहा था। अच्छा हाँ, आओ इधर। वो देखो अनुराधा, उधर। अनुराधा, ये वही स्थान है। इसी स्थान पर माता वैष्णव ने भैरव का वध किया था। तब तो ये ऐतिहासिक स्थान है। ऐतिहासिक भी और धार्मिक भी, क्योंकि माता वैष्णव के रूप में पुण्य ने पाप पर विजय पाई है, धर्म ने अधर्म को परास्त किया था। सत्य है स्वामी। आओ आओ संभाल के, इधर किनारे से आओ। स्वामी हाँ? मुझे पहले से ही प्रतीत हो रहा था कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। कदापि नहीं, ये पिंडियां ही हैं, और मेरा पूर्ण विश्वास है कि ये देवियों का रूप है, उनकी निशानियां हैं। परंतु किन देवियों की? जो भी होंगी माता महालक्ष्मी के रूप में होंगी। हे माता महालक्ष्मी, आपने मुझे सपने में दर्शन देकर मुझे अनुग्रहित किया है। मैं उस सपने को आपकी प्रेरणा समझकर ही यहां आया हूं। हे मातेश्वरी, मेरी श्रद्धा है कि ये पिंडियां आप ही का रूप है। अपने इन तीनों रूपों का दर्शन देकर मुझे अनुग्रहित कीजिए मां, मुझे अनुग्रहित कीजिए। मां, हम पर कृपा करके अपने दर्शनों की वर्षा कीजिए। मां, अपने दर्शनों की वर्षा कीजिए। मैं देवी महालक्ष्मी हूँ और ये पिंडी मेरी प्रतीक है। और वत्स, मैं देवी महाकाली हूँ, ये पिंडी मेरी ही प्रतीक है। हाँ।
और मैं महा सरस्वती हूँ। माँ सरस्वती, माँ हे माता महालक्ष्मी, हे माता महाकाली, हे महा सरस्वती, हम दोनों आप तीनों के एक साथ दर्शन करके धन्य हो गए माँ, धन्य हो गए माँ, धन्य हो गए, धन्य हो गए। माँ, आपके तीनों स्वरूपों के दर्शन करके हमारी आत्माएं तक अनुग्रहित हो गई हैं। माँ, आत्माएं तक अनुग्रहित हो गई हैं। हे माँ वैष्णव, मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझे क्षमा कर दो। हम आपकी इस बाल लीला को समझ कर भी समझ नहीं पाए माँ। आपने तो अपने नाम का परिचय भी दिया था माँ, फिर भी सांसारिक मोह के कारण हम आपको साधारण बालिका समझ बैठे थे मैया। इस पर भी हमसे कोई भूल चूक हुई हो माँ तो हमें नादान समझकर क्षमा कर देना माँ वैष्णवी। हमें क्षमा कर दो माँ वैष्णवी। हमें माँ, यदि हमसे कोई भूल हुई हो, कोई अनादर हुआ हो, तो अपनी संतान समझकर उसे अनदेखा कर दीजिए माँ। आप मेरी संतान ही तो हैं, मैं अपने सभी भक्तों को अपनी संतान मानती हूँ। मैया, 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 आप दोनों में भक्ति भाव इतना कूट कूट के भरा है कि ना आपसे कोई अनादर हो सकता है ना ही भूल चूक। इसीलिए तो मैंने तुम दोनों को अपना परम भक्त मान लिया है और तुम दोनों को अष्टभुजा रूप में दर्शन दे रही हूँ। मैया, आपकी ममता अपार है मैया, अपार है। आपकी कृपा अनंत है माँ। वर्षा, आप महान हैं मातेश्वरी, आप महान हैं। मैया, आपने अपने इन तीनों दिव्य स्वरूपों का दर्शन तो दे दिया। इन तीनों दिव्य स्वरूपों की उत्पत्ति के संबंध में हम अज्ञानियों का ज्ञान बढ़ाने की कृपा कीजिए माँ, कृपा कीजिए माँ। वत्स श्रीधर, पुत्री अनुराधा, अत्याचारी और अनाचारी शक्तियों का दमन करने के लिए मैंने अवतार लिया है। इस स्वयंभू प्राकृतिक गुफा में युगों युगों से मैं तपस्या कर रही हूँ। ये त्रिकूट पर्वत ही मेरा निवास स्थान है और ये तीनों पिंडियां मेरा ही स्वरूप है जिनका दर्शन आपने अभी किया है। जब मैं अवतरित हुई तब परमपिता ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु
और महादेव शंकर इनके गुणों के प्रतीक शुक्ल रक्त और कृष्ण इन तीनों वर्णों से सुशोभित हुई थी। तब विधाता ब्रह्मदेव ने मुझसे कहा था, हे देवी वैष्णवी, तुम्हारा नाम त्रिकाल होगा, तुम संसार की सदा रक्षा करोगी। गुणों के अनुसार तुम्हारे बहुत से नाम भी होंगे और रूप भी होंगे। तुम में जो तीन वर्ण दिखाई दे रहे हैं, इनसे तुम अपने आप को तीन रूपों में विभक्त कर लो। परमपिता ब्रह्मदेव के आदेशानुसार मैंने अपने आप को तीन रूपों में प्रकट किया। श्वेत रक्त और श्याम रंग से आभायुक्त तीन पिंड निर्माण किए। ब्रह्मदेव के अंश से महासरस्वती, भगवान विष्णु के अंश से महालक्ष्मी, महादेव शिव शंकर के अंश से महाकाली को प्रकट किया। महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली मेरे ही दिव्य रूप हैं। जिस प्रकार परब्रह्म परमात्मा एक होने पर भी प्रयोजन वश ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन रूपों में अभिव्यक्त होते हैं, उसी प्रकार मैं भी प्रयोजन वश तीन रूपों में अवतरित होती हूँ। हम तीनों में कोई भेद नहीं है। जो महाकाली है वही महालक्ष्मी है और जो महालक्ष्मी है वही महासरस्वती है। वत्स श्रीधर, पुत्री अनुराधा, जो लोग मेरी भक्ति करेंगे उन्हें मैं सभी प्रकार के कष्टों और पापों से मुक्ति दूंगी। मैं उनके दुख हरण करूंगी, उनका दारिद्र दूर करूंगी, निसंतानों को संतान का सुख दूंगी। माँ, माँ, मेरे भक्त ऐश्वर्य सौभाग्य आरोग्य संपत्ति सुख और मोक्ष प्राप्त करेंगे। तुम दोनों ने अनंत श्रद्धा से आंसुओं के जो अनमोल मोती लुटाए हैं, मैं इसको अनुपम भेंट समझकर स्वीकार करती हूँ। मैंने तुम्हें भी अपनी सेवा में स्वीकार किया है, इसीलिए मैंने तुम्हें बालिका वैष्णव के रूप में अपनी बाल लीला से आनंदित किया और इस दिव्य स्थान तक तुम्हारा मार्गदर्शन किया है। और मैं अब तुम्हारे द्वारा सारे संसार का मार्गदर्शन करना चाहती हूँ। मेरी ये इच्छा है कि मेरे दर्शनों के अभिलाषी भक्त अपनी माता के दर्शनों से वंचित न रहे। मैं अपनी ममता की उन पर वर्षा करके उनके पापों को नष्ट करना चाहती हूँ। हमें हमें आज्ञा दीजिए मातेश्वरी, हम आपकी क्या सेवा करें। हे श्रीधर तथा हे अनुराधा, तुम दोनों को मैंने इस स्थान का महत्व बता दिया है। अब तुम गांव-गांव जाकर इस स्थान का महत्व बता दो। मैं तुम्हें परम सेवा का अवसर दे रही हूँ, इसे ग्रहण करो वत्स। माँ, माँ, माता, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। पालन करेंगे, पालन करेंगे माँ। भाइयों, मैं सच कह रहा हूँ। हाँ माताओं, मैं सच कह रहा हूँ। माता वैष्णवी ने मुझे सपने में दर्शन देकर त्रिकूट पर्वत के दिव्य स्थान तक हमारा मार्गदर्शन किया था। और वहाँ भी मैया ने हमें दर्शन दिया था। इतना ही नहीं, माता काली, माता सरस्वती और माता महालक्ष्मी ने भी दर्शनों से हमें अनुग्रहित किया है। लगता है ये दोनों पागल हो गए हैं। तुम कहते हो कि तुम्हें माता ने दर्शन दिए, हाँ कृपा हुई, तो माता ने तुम्हें संतान क्यों नहीं दी भाई? भाइयों, माता की कृपा अपरंपार है, आप उसे मत झुठलाइए। हमारे पास इतना समय नहीं है कि तुम्हारे पागलपन में नष्ट करें। चलो भाइयों, चलो। रुको 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 भाइयों, रुको। आप सब मुझे पागल कह रहे हैं,
परंतु असल में आप सब पागल हैं। मैं निसंतान हूं इसलिए मैं पापी हूं, परंतु अपनी बुद्धि से काम लो। मैंने पाप किया है इसलिए माता की कृपा मुझ पर नहीं हुई है, परंतु आप लोगों ने ऐसा कौन सा पाप किया है जो चेचक जैसी महामारी गांव के हर घर में घुसकर घर के एक एक आदमी को शमशान घाट तक पहुंचा रही है? बोलो, जवाब दो। पंडित श्रीधर ठीक कह रहे हैं, हम सबने कोई न कोई पाप अवश्य किया है जो हम पर यह प्रकोप टूट पड़ा है। भाइयों, इस प्रकोप से मुक्ति हमें माता वैष्णवी ही दिला सकती हैं। हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। यदि उनके संकेत के पश्चात भी हम माता के संकेतों को नहीं समझेंगे तो हमारा उद्धार कभी नहीं हो सकेगा। माता की कृपा से लाभ उठाइए, उनकी कृपा से लाभ उठाइए आप लोग। ये उनका वचन है कि अपनी शरण में आने वालों को वो हर पीड़ा से सुरक्षित रखेंगी। कोई आए या ना आए, मैं आपके साथ त्रिकूट पर्वत पर अवश्य जाऊंगी। चलिए पंडित जी। मैं भी चलूंगा। हाँ हाँ, हम भी चलेंगे। मैं भी दर्शन को चलूंगा। मैं भी चलती हूँ। मैं भी चलूंगा। जय माता दी, 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 जय माता दी। अरे अरे, मैं ठीक हूँ क्या? जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जोर से बोलो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता, 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 जय माता। जय माता दी, जय माता दी। मेरी बच्ची ठीक हो गई, मेरी बच्ची ठीक हो गई। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हे माता वैष्णवी, आपने हमें अपनी अनुपम सेवा का अवसर दिया, इसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। माता, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मातेश्वरी, हमारे द्वारा आज आपके हजारों तो कल लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं को आपके दर्शनों का लाभ मिलेगा। माता, हमारी और हमारी आने वाली पीढ़ियों की झोलियां इस पुण्य से भर कर छलक जाएंगी। माते, छलक जाएंगी। अनुराधा, तुम्हारी झोली पुण्य से तो भरेगी ही, परंतु अब तुम्हारी गोद भी खाली नहीं रहेगी। मेरे आशीर्वाद से अनंत रूप से
तुम्हारे पुत्र और फिर उसके पुत्र के रूप में मेरी सेवा करेगा। इसी प्रकार तुम्हारी पीढ़ियां निरंतर मेरी सेवा का फल भोगती रहेंगी। मेरा निवास त्रिकूट पर्वत पर रहेगा और मैं श्रद्धालुओं का उद्धार करती रहूंगी। तथास्तु।